पाकिस्तान की जानी मानी खेल एंकर जैनब अब्बास अपने पिछले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कानूनी मुसीबत में फंस गई हैं। भारत में चल रहे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी की कमेंटेटर्स लिस्ट में शामिल इस महिला पत्रकार की पिछले सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की गई। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में की गई ये जांच सही पाई गई, जिसके बाद एहतियातन जैनब को आनन फानन में भारत भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह दुबई में है। जैनब ने इन आरोपों से इनकार किया है। बहरहाल इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विनीत जिंदल ने जैनब के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज करवाई है। यह कानूनी कार्रवाई 35 वर्षीय एंकर के एक्स अकाउंट से कथित पुरानी पोस्ट के बाद की गई थी, जिन्हें हिंदू विरोधी और भारत विरोधी माना जाता था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वकील ने आरोप लगाया कि ये आपत्तिजनक ट्वीट लगभग 9 साल पहले पोस्ट किए गए थे। समा टीवी की माने तो जैनब ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि ये ट्वीट कई साल पुराने हैं और इसका उनकी वर्ल्ड कप कमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें भारत से निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए था। फिलहाल जैनब अब्बास दुबई में है। मूल रूप से जैनब अब्बास ने ये ट्वीट तब किए थे जब ट्विटर पर उनका यूजर नेम जैन ब्लोसवर्क हुआ करता था। अब उन्होंने इसे बदलकर जब्बास ऑफिशियलेट में अपडेट किया है। अधिकता और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में उस शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है जो जैनब के खिलाफ हिंदू आस्था और विश्वास के बारे में अपमानजनक टिप्पणी और भारत विरोधी बयानों के लिए दर्ज की गई है। विनीत ने आईपीसी की धारा 153A, 295, 506, 121 और धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।